हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें से पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का M42 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा मोटोरोला की तरफ से मोटो जी 5G। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम चिपसेट के साथ में आपको सेम 5G फोन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको परचेस करना हो तो कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, इसके बता चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बता चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो गैलेक्सी M42 5G में आपको देखने को मिल जाती है 6.6 इंचेस की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, और यहां पे आपको इंफिनिटी यू शेप नॉच के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, और रियर साइड आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर डिस्प्ले अच्छी है, लेकिन जो 2021 है उसके हिसाब से ये डिस्प्ले बहुत ही घटिया किस्म की कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मल रिजोल्यूशन दे दिया है, वो भी आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में, तो यहाँ पे हजम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो मोटोरोला का मोटो जी 5G है उसमें भी आपको 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस रेट के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें नॉर्मल 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अभी आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, पंचर कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर यहाँ पे डिस्प्ले जो मिलती है वो आपको ठीक ठाक डिसेंट वाली डिस्प्ले हम कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन हो जाती तो बहुत ही कमाल का रहता, फिर भी यहाँ पे जो IPS पैनल है वो भी आपको कमाल की देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में मुझे थोड़ा सा पर्सनली बेटर अच्छा लगा मोटो जी 5G की डिस्प्ले, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो दोनों में सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5G अनेबल चिपसेट है, 8 नैनोमीटर बेस लेवल पे काम करता है, ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग के फोन में आपको कस्टमाइजेशन के साथ में आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, और यहाँ पे जो मोटोरोला का फोन है वो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हो सकता है। बाकी दोनों में आपको जो परफॉर्मेंस, जो मल्टीटास्किंग है, वो सारे गेमिंग्स है, वो सारे एक्सपीरियंस सेम जैसे देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे माइक्रो सिग्नल लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे दो वेरिएंट ऑलरेडी दे दिए तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन यहाँ पे मोटो जी 5G में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें सेम UFS2.1 की स्टोरेज और LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रो सिग्नल का लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक और वेरिएंट मोटो जी 5G में दे देते तो थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाता सैमसंग गैलेक्सी M42 को, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, दोनों में सेम जैसा रियर कैमरा हम कह सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी M42 में आपको 48MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है सैमसंग के GM2 सेंसर के साथ में, दूसरा आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का मैक्रो और 4 5MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे सेम मोटो जी 5G में भी आपको 48MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा 2MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा एज यूजुअल सेम जैसा है। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बाकी ऑल ओवर आपको कैमरा फीचर्स यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, बाकी जो मेगापिक्सल काउंट है और प्राइमरी लेंस है वो दोनों में सेम जैसा देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको 20MP की नॉच सेल्फी देखने को मिल जाती है F2.2 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13MP तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मोटो जी 5G, इसमें आपको 16MP की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको F2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13MP तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑन द पेपर बात करें तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 का सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू मोटो जी 5G, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताना चाहूंगा दोनों में सेम बैटरी देखने को मिल जाती है, 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो मोटो जी 5G है इसमें आपको 20W का टर्बो चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आपको सेम जैसा ही चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन
सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता था, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको नॉक सिक्योरिटी और सिक्योर फोल्डर के सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मोटो G5G उसमें आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, दोनों में सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर है, ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, एक फर्क है, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे मोटो G5G में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी नॉर्मल जो सेंसर होगा सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, वहीं पे मोटो G5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ का 5.0 और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ज्यादा अंतर नहीं है कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में, माइनर सा चेंजेस है और फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजीशन में फर्क देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर एंड प्राइस की, दोनों में आपको दो दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M42 है, उसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 21,999 रुपीस यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 23,999 रुपीस यानी कि 24,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 1 मई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी इंट्रोडक्टरी जो प्राइस है वो आपको 19,999 रुपीस यानी कि 20,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है वो 21,999 रुपीस यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन मिल जाएगा। तो प्राइस बहुत ही अच्छी है, अमेजोन से परचेस कर सकते हो, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मोटो G5G इसमें आपको सिंगल यूनिट देखने को मिलता है, जिसकी जो प्राइस है वो 20,999 यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा यहाँ पे मोटो G5G, क्योंकि इसमें जो ऑल टुगेदर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो थोड़ी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M42। तो ये बात ध्यान रखेगा, क्योंकि यहाँ पे HD रेजोल्यूशन के साथ में जो आपको डिस्प्ले देती है वो मुझे हजम नहीं हुए। हालांकि अब बताना चाहूंगा सैमसंग के कई सारे M सीरीज के स्मार्टफोन है जो ऑलरेडी फुल HD का रिजोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको नॉर्मल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दे दिया है, वो भी AMOLED, तो ये मुझे हजम नहीं हुआ। बाकी बात करें तो इसमें कैमरा, तो कैमरा 64 मेगापिक्सल एटलीस्ट दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, फिर भी यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी 7000mAh की आपको बैटरी की जगह यहाँ पे सिर्फ 5000mAh की आपको बैटरी, तो ये थोड़ा सा आपको डाउनग्रेड कह सकते हो, क्योंकि इसे कम प्राइस में आपको 5G देने की कोशिश कर रहे थे सैमसंग वाले, लेकिन यहाँ पे उसको सक्सेस नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी मोटो G5G वो थोड़ा सा बेटर लगा एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M42। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।